दोस्तों, अल्सर के इसी क्रम में पिछली बार हमने पिछले वीडियो में आर्टेरियल अल्सर का वर्णन किया था, पढ़ा था। आज हम वीनस अल्सर के बारे में चर्चा करते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बॉडी की जो टिश्यू या सेल्स हैं उनमें जो न्यूट्रिशन का क्रम है वहाँ पे आर्टरी अपनी छोटी ब्रांचेस आर्टरियोल्स और फिर उसके बाद और सूक्ष्म ब्रांचेस जो माइन्यूट होती है जिनको हम देख नहीं सकते कैपिलरीज में डिवाइड होती है और वहाँ से कैपिलरी ब्लड सप्लाई करती हैं और वहाँ के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो फिर कैपिलरी जो कि छोटे छोटे वेन्यूल्स बनाती हैं और फिर फाइनली वो वेन्स में ड्रेन हो जाती है। तो अगर वेन में कहीं कोई रुकावट है या ऑब्स्ट्रक्शन है या हाइपरटेंशन है तो निश्चित रूप से वो टिश्यू की जो वाइटलिटी है वो प्रभावित होगी। उतना अच्छा उसका वहाँ पे ना तो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा ना ही न्यूट्रिशन मिलेंगे, तो उस कारण से वहाँ पर अल्सर होने की संभावनाएं रहती हैं। तो ये जो अल्सर होते हैं इनको हम वीनस अल्सर कहते हैं और दूसरा हम इनको अन्य नाम जो है इसका वो ग्रेविटेशनल अल्सर भी होता है। मुख्यतया ये है पैर में होते हैं, उसमें भी पैर के निचले हिस्से में बेसिकली पाए जाते हैं क्योंकि अधिकांशतया जो समस्याएं होती हैं वो यहीं उत्पन्न होती हैं। तो इसलिए जो सबसे पहले साइट की बात है उसमें सबसे पहले ये एंकल एंकल पे जो अल्सर्स होते हैं जो गेटर्स जोन हम जिसको बोलते हैं वहां पे यदि कोई अल्सर मिलता है पर्टिकुलरली जो मीडियल मैल्यूलस है वहां पे जो अल्सर मिलता है तो हमको ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं यह वेन से संबंधित है, या तो वहां पे वीनस इनसफिशियंसी है या तो वहां पे कोई क्लॉटिंग मैकेनिज्म डेवलप हो रही है। तो क्रॉनिक वीनस इनसफिशियंसी जैसे वेरिकोज वेन्स होती हैं या फिर उसमें कुछ वाल्वुलर मैकेनिज्म में प्रॉब्लम आने की वजह से या वीनस हाइपरटेंशन ऑब्स्ट्रक्शन के कारण से ज्यादातर जैसे मैंने बताया मीडियल एस्पेक्ट पे ये पाए जाते हैं। तो बेसिकली जब हम इन अल्सर्स की बात करते हैं तो ये दो कारणों से उत्पन्न हो सकते हैं। पहला तो है वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स का मतलब ये होता है कि जो पैर के निचले हिस्से की वेन्स हैं वो धीरे धीरे फूलना शुरू कर देती हैं क्योंकि वीनस का जो ड्रेनेज है ब्लड का वो आगे जा करके जो वेन के वॉल्स होते हैं उसमें प्रोलैप्स होने से या आगे किसी प्रकार की ऑब्स्ट्रक्शन होने से बैक प्रेशर ब्लड का बढ़ जाता है और वो वेन्स जो है वो टॉर्चुअस हो जाती है। इसके भी दो प्रकार होते हैं। जब छोटी वेन्स जो है वो इन्वॉल्व होती हैं तो वो छोटे छोटे रेडिएटिंग रेड से जो है वो वहाँ पे लाइंस दिखाई देती हैं जिनको हम टिलेंजी एक्टेसिया कहते हैं, और जब बड़ी वेन इन्वॉल्व हो जाती है तो वो बिल्कुल एकदम से टॉर्चुअस और काफी बड़ी वेन दिखाई देती हैं फिल्ड विद वीनस ब्लड, उनको हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं। तो एक तो ये कारण हुआ और दूसरा जो कारण होता है वो होती है एक डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यानी कि जो डीप यानी कि पैर में नीचे की तरफ जो वेन्स हैं जब उनमें थ्रोम्बस यानी कि क्लॉट फॉर्म हो जाता है तो उसके बाद जो लिम्ब में स्वेलिंग आती है चेंजेस आते हैं उसको हम पोस्ट फ्लेबाइटिक लिम्ब कहते हैं। फ्लेबाइटिक मीन्स फ्लेबाइटिक कहते हैं जो क्लोट के कारण से किसी प्रकार का वेन की जो वॉल होती है उसमें सूजन आने की वजह से इन्फ्लेमेशन आने की वजह से जो इवेंट होती है उसको पोस्ट फ्लेबाइटिक लिम्ब कहते हैं। तो इन दोनों में ये अल्सर फॉर्म हो जाते हैं। जब क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करते हैं तो पेन इसका एक स्पेसिफिक सिम्टम होता है। हालांकि वेरिकोज वेन में पेन बाद में समाप्त हो जाता है लेकिन डीप वेन थ्रोम्बोसिस के केसेस में ये बना रहता है। तो पेन एक हुआ। दूसरा होता है डिस्कम्फर्ट, यानी कि पैर में एक डिस्कम्फर्ट होने लग जाती है, नॉर्मल नहीं फील होता है लोगों को, और उसके बाद वेरिकोज वेन का एक टिपिकल पैटर्न होता है। जब किसी व्यक्ति में वेरिकोज वेन्स पाई जाती हैं तो लंबे समय तक रहने के कारण से ये वेरिकोज वेन्स में सबसे पहले स्किन के चेंजेस आते हैं, यानी कि नीचे की जो स्किन होती है वो ब्लैक होना शुरू हो जाती है जिसको कि हम वेरिकोज डर्मेटाइटिस या वेरिकोज एक्जिमा भी बोलते हैं इसको। तो स्किन के चेंजेस आने के बाद फिर कंडीशन क्या होती है कि केवल स्किन ही नहीं बल्कि नीचे का जो फैट है वो भी इन्वॉल्व हो जाता है और ये पूरी स्किन नॉर्मल स्किन से हार्ड होने लग जाती है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, लाइपो डर्मो स्क्लेरोसिस। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। लाइपो मीन्स फैट, डर्मो मीन्स स्किन, यानी कि स्किन और फैट का स्क्लेरोसिस मतलब काठिन्य कठिन हो जाना, यानी कि जो स्किन है और उसके नीचे फैट है ये दोनों हार्ड हो जाते हैं। तो एक तो जो है क्या हुआ, पिगमेंटेशन हुआ, वहां पे डर्मेटाइटिस उत्पन्न हो गई, एक्जिमा हो गया मैंने बता दिया, और ये लाइपोडर्मो स्क्लेरोसिस हो जाते हैं कि लंबे समय तक जब आप इनके पैर देखेंगे ऐसे रोगियों के तो वहां पे स्किन हार्ड होगी, वो काले रंग की हो जाएगी,
उसको हम डर्मेटाइटिस कहते हैं, जो कि वेरिकोज वेन के साथ एसोसिएटेड होती है, और उसी के क्रम में फिर यहाँ पे अल्सर बन जाया करते हैं। तो इसीलिए ये जो अल्सर होते हैं वेरिकोज वेन के, ये बाद में पेनलेस हो जाते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसके साथ एक ये भी होती है कि जो वेरिकोज अल्सर होते हैं नॉर्मली सुपरफिशियल होते हैं, अभी मैं चर्चा करूंगा उसकी। साथ ही साथ जब कोई पेशेंट, क्योंकि ये समस्या जो उत्पन्न होती है लंबे समय तक खड़े रहने से उत्पन्न होती है, तो ऐसे जो पेशेंट है जब वो रेस्ट करते हैं या लेटे रहते हैं तो ये अल्सर हील हो जाते हैं, ये इसका एक करेक्टरिस्टिक होता है। तो यहाँ पर एक रिसर्च हुई है बेसिकली। देखिए, जब हम एक इंडिया के स्पेसिफिक पैटर्न की बात करते हैं, तो पुराने समय में जो हमारे फोर फादर्स थे, वो खाना बनाने की प्रक्रिया, खाना खाने की प्रक्रिया या बैठने की जो प्रक्रिया थी, वो नीचे जमीन पर, भूमि पर बैठा करते थे कोई आसन लगा करके। अब जो हमारी जो प्रक्रियाएं हैं, जो वेस्टर्न स्टाइल में हम बैठते हैं चेयर में या कहीं भी बैठते हैं, तो कॉन्टिन्यूस जो है, जो नीचे लोअर लिम की जो वेन्स हैं, वो कॉन्टिन्यूस उनमें एक प्रेशर ग्रेडियंट बना रहता है। नीचे पालथी मारकर बैठने वालों को वेरिकोज वेन्स की इंसिडेंस बहुत कम होती है, लेकिन अभी टोटल हमारा जो लाइफ स्टाइल बदला है उसने ये एक डिजीज हमको एडिशनल और हमारी सोसाइटी में बढ़ा दी है। डायबिटिक और हाइपरटेंशन की कैपिटल तो हम पहले से हैं ही हैं, और साथ में नीचे न बैठने से, यानी कि पालथी मारकर न बैठने से, एक वेरिकोज वेन का प्रसाद हमको और मिल गया है। तो इसलिए ऐसे पेशेंट्स में जब ये बेड में लेटते हैं या रेस्ट करते हैं तो ये अल्सर्स ठीक हो जाते हैं। और एक खास बात इन दोनों की ये है कि ये जो वीनस अल्सर होते हैं, ये लैग के निचले एक तिहाई हिस्से तक ही सीमित रहते हैं, उसके ऊपर यूजुअली ये अल्सर्स नहीं बनते हैं। और सबसे कॉमनेस्ट जो है वो एंकल रीजन है, उसका मीडियल यानी के अंदर का भाग। तो अब हम इन दोनों में से डिफ्रेंशिएट कैसे करें, वेरिकोज अल्सर और पोस्ट फ्लेबाइटिक या अल्सर कोज ड्यू टू द डीप वेन थ्रोम्बोसिस। जो वेरिकोज अल्सर होते हैं वो बहुत सुपरफिशियल होते हैं, यानी कि बहुत ऊपर ऊपर ही होते हैं, स्किन और उसके नीचे सुपरफिशियल फेशिया, पेनलेस होते हैं, और ये डीप फेशिया यानी कि जो नीचे वाला जो फेशिया होता है उसको इन्वॉल्व नहीं करते हैं। इसके विपरीत जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस से संबंधित अल्सर होते हैं वो पेनफुल होते हैं, गहरे होते हैं, यानी कि वो डीप फेशिया तक चले जाते हैं और डीपर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको इन्वॉल्व कर देते हैं। इन दोनों में ये एक बेसिक डिफरेंस है। तो जब भी हम वेरिकोज अल्सर्स को देखते हैं तो हमें वहाँ पे कुछ वेरिकोज एक्जिमा यानी कि ब्लैकिसनेस भी मिल जाती है, साथ ही साथ स्किन की हार्डनिंग भी मिल जाती है, और इसके अलावा वो अल्सर सुपरफिशियल होते हैं, पेनलेस होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी होती है कि यदि लंबे समय तक इन्फेक्शन इसमें बार बार होता रहता है, यानी कि अल्सर ठीक होता है उसके बाद हो जाता है और इसमें बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस लिम्ब की, जिस लिम्ब में वो है, वहाँ की जो इन्ग्वाइनल लिम्फ नोड्स हैं, यानी कि जो इन्ग्वाइनल रीजन में जो लिम्फ नोड्स हैं, वो एनलार्ज भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि वहाँ की ड्रेनेज लिम्फ नोड्स होती है। इस अल्सर के बारे में यदि हम जनरलाइज चर्चा करें, तो क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं, बार बार हील होते रहते हैं, बार बार फिर से होते रहते हैं, तो ये क्रॉनिक अल्सर हो जाते हैं और इंडोलेंट या कैलस इन नेचर हो जाते हैं, बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं लॉन्ग रन में, और इनका साइज भी बड़ा हो जाता है बार बार। और सबसे बड़ी बात, चूंकि बार बार इनमें घाव भरता रहता है और फिर दोबारा होता रहता है, तो एक स्कारिंग डेवलप हो जाती है उस पूरे एरिया में, और ये स्कार जो है बेसिकली यदि अनस्टेबल रहता है, यानी कि इसमें बार बार कभी वुंड बन गया और कभी कभी हील हो गया, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे इसके कार्सिनोमा बनने के भी चांसेस रहते हैं, जो कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, जिसको कि हम मार्जोलिन्स अल्सर कहते हैं। यानी कि ऐसे जो अल्सर्स होते हैं जो कि बहुत लंबे समय तक इंडोलेंट या कैलस हो जाते हैं, कभी उनमें हीलिंग हो जाती है, कभी फिर से बनने लग जाते हैं, ऐसे में मैलिग्नेंट चेंजेस के चांसेस भी होते हैं, जिसको कि हम मार्जोलिन्स अल्सर कहते हैं। अब ये तो इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट हो गया। जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन में हम ये कैसे पता लगाएं कि ये वेन से संबंधित है, तो हम सबको सबसे पहले वेन का देखना पड़ेगा, और उसके लिए जो सबसे पहली स्टडी है वो कलर डॉपलर स्टडी है, जो कि वीनस कलर डॉपलर स्टडी होगी लोअर लिम की, जिसमें कि लोअर लिम की जो सारी वेन्स हैं, पॉपलाइटल और ये ग्रेटर सेफनेस वेन है, ये इनमें ये इनकॉम्पिटेंट तो नहीं है, मतलब इनमें ब्लड का फ्लो कहीं रुक तो नहीं रहा है, परफोरेटर्स उसके हमको देखने पड़ते हैं, तो उससे पता लग जाता है कि यहाँ पे डीप वेन थ्रोम्बोसिस है या वेरिकोज अल्सर है, वेरिकोज वेन्स हैं। इसके साथ साथ ही वीनोग्राफी, जैसे हम आर्टरी अल्सर में आर्टरियोग्राफी करते हैं, ऐसे ही यहाँ पे सीटी गाइडेड या अंडर सीटी स्कैन करते हैं, वीनोग्राफी करते हैं,
और अल्सर में से जो डिस्चार्ज निकल रहा है, जो अल्सर में से डिस्चार्ज आ रहा है, उसका कल्चर एंड सेंसिटिविटी भी टेस्ट किया जाता है। इसी के साथ साथ बायोप्सी भी हम लोग लेते हैं, बायोप्सी भी हम लोग करते हैं कि उसमें कोई मैलिग्नेंट चेंजेस तो नहीं है। यदि यह शक है कि यहाँ पे बोन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो हम लोग एक्सरे भी बेसिकली यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब भी किसी को वीनस अल्सर मिलता है तो उसमें बहुत ही लाइफ स्टाइल चेंजेस की जरूरत है। उसको ये कहा जाता है कि वो बेड का जो फुट एंड है उसको रेज रखे, कम से कम जितनी देर पेशेंट सो रहा है उतनी देर उसमें से जो वीनस कंजेशन है वो रिमूव हो सके। बहुत देर तक बैठने वाली ऐसे प्रोफेशंस इसको अवॉइड किया जाना चाहिए, और साथ ही साथ जितना संभव हो सके वेस्टर्न लाइफ स्टाइल में बैठने को भी अवॉइड किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कुछ सावधानियां बरतकर इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।